हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए। और मैं हूं सीए आशीष गुप्ता। और आज हम स्टार्ट करेंगे एफवाईजेसी में अकाउंट सब्जेक्ट में फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। रिसेंटली आप सभी लोग ने अपना 10th पास करके आप एफवाईजेसी में आए होंगे। तो मैं आपको बता दूँ, कॉमर्स स्ट्रीम में जो सबसे मेन सब्जेक्ट होता है वो है अकाउंट्स। तो अकाउंट जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स का बैकबोन है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं तो आपको ये पूरा कॉमर्स स्ट्रीम पूरा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो इस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़िए और हम सभी चीज़ें को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। और हम राधा दान की किसी चीज़ को मगअप करने के अलावा हम सभी चीज़ को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, इससे पहले कभी आपने शायद अकाउंट्स नहीं पढ़ा होगा या तो शायद ही आपने कभी अकाउंट्स पढ़ा होगा। तो अगर आपने कुछ अकाउंट्स का बेसिक्स भी पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूँ, आप वो सब भूल जाइए, क्योंकि आज इस लेक्चर में हम बेसिक से फ्रॉम द बिगिनिंग हम अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से ये लेक्चर को सुनिए, क्योंकि इस लेक्चर में अकाउंट्स के बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम एफवाईजेसी में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी रिवाइज टेक्स्ट बुक है जो अभी रिसेंटली चेंज हो चुकी है। तो ये आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का ये सब्जेक्ट है। तो चलिए हम देखते हैं, एक बार हमारे इंडेक्स की ओर नज़र डालते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम आ जाते हैं हम इंडेक्स में। तो अभी हम इंडेक्स पे आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस अकाउंट्स में कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल हम इस सब्जेक्ट में 10 टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो हम फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे जो आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। फिर आपको एक नेक्स्ट टॉपिक है जो है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग। फिर जर्नल एंट्री, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेजर, सब्सिडरी, बैंक रिकॉर्ड, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट्स, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये सारे सब्जेक्ट हम अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं करेंगे। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो इंट्रोडक्शन टू बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हम सभी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, रादर देन किसी चीज़ को हम मगअप करना या रट्टा मारने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सभी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे और आपको अपना 100% देना है इस लेक्चर में, क्योंकि आपको इस लेक्चर में काफ़ी सारे अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपका सब्जेक्ट का नाम है बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो पहले बात करते हैं बुककीपिंग का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूँ सिंपल भाषा में, बुककीपिंग मतलब सिंपल भाषा में आपको बता दूँ तो हिसाब किताब रखना हो। तो आप बोलोगे, लेकिन हिसाब किताब किसका रखना है? तो मैं आपको बता दूँ, बुककीपिंग में जो हम हिसाब किताब रखेंगे वो बिजनेस का हिसाब किताब रखेंगे। तो बुककीपिंग में हम पढ़ते हैं बिजनेस की हम हिसाब किताब कैसे रखते हैं। पहले हम देखते हैं कि बुककीपिंग की डेफिनेशन क्या होती है। बुककीपिंग मतलब होता है कि बुककीपिंग इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बुककीपिंग मतलब होता है कि भाई साहब, आप अपने बिजनेस का हिसाब किताब रख रहे हो। तो क्या आपको सब चीज़ें का हिसाब किताब रखना है? नहीं, आपको सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपका लेन देन हो रहा है उसमें सभी आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड सभी चीज़ों का आपका हिसाब किताब रखना है। तो यही मतलब होता है बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। तो जैसा कि आपने देखा कि बुककीपिंग का मतलब क्या होता है, बुककीपिंग मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है बीके, जिसे हम बुककीपिंग बोलते हैं। तो बुककीपिंग मतलब सिंपल भाषा में आप हिसाब किताब रख रहे हो। लेकिन आप बोलोगे, सर हिसाब किताब किसका रखना, हिसाब किताब किसका रखना? तो हिसाब किताब रखना है आपको अपने बिजनेस का। हम बुककीपिंग में पढ़ते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो आप सभी लोग कभी ना कभी राशन के दुकान पे या किसी किराने वाले के पास गए होंगे। तो आपने देखा होगा जो दुकानदार है वो नॉर्मली एक रेड कलर का एक बुक मेंटेन करता है, जिसे हम हिंदी में चोपड़ा भी कहते हैं या बहुत लोग उसे रजिस्टर भी कहते हैं। तो वो शॉपकीपर जो है वो अपने सारे बिजनेस के जो भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो उस बुक में मेंटेन करता है। तो यही चीज़ हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं। लेकिन हम हर एक चीज़ नॉर्मली क्या होता है, वो जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, वो एक अनसिस्टमेटिक वे में सब अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जैसे आप अभी उसके पास कभी गए होंगे तो वो दुकानदार भाई साहब नॉर्मली एक लाल कलर का एक रजिस्टर मेंटेन करता है, जिसे हम लोग बहुत लोग नॉर्मल भाषा में चोपड़ा भी बोलते हैं। तो
ये शॉपकीपर जो भी है अपना डेली का जो भी अपना लेन देन है वो इस बुक्स में इस रजिस्टर में मेंटेन करता है। जैसे उसने किसी को माल बेचा या किसी ने उसने किसी से माल परचेस किया तो वो सभी चीज़ों को इस बुक में मेंटेन करता है। तो वही चीज़ें हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं लेकिन हम इसको एक डिफरेंट वे में पढ़ते हैं, हम एक इसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। रादर देन हम किसी को इस सारे अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन बुक में मेंटेन के करने के अलावा हम उसे सभी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में कंप्यूटर में पूरा रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो यही चीज़ें हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं। तो अकाउंट्स मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग में क्या होता है कि हम सिस्टमेटिक वे में सब सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। तो बुक कीपिंग में हम खाली बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज एक पर्सन है मिस्टर राम। मिस्टर राम एक पर्सन है जिन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका नाम है राम एंड कंपनी। राम भाई साहब ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है राम एंड कंपनी। तो अकाउंट्स में कुछ अजम्पशंस होते हैं। तो पहला अजम्पशन ये होता है कि जो बिजनेस का मालिक है, जो ओनर है, उसको हम अलग ट्रीट करेंगे और जो बिजनेस को अलग ट्रीट करेंगे, दोनों चीज़ों को अलग मिक्स नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसमें रोज बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, काफ़ी सारे इवेंट्स होंगे। तो हम बुक कीपिंग में क्या करते हैं कि ये सारे जो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे डेली बेसिस पे, जो भी सेल परचेस जो भी हो रहे इस बिजनेस में, तो हम उस सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, पहला तो एक बात है कि मिस्टर राम अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे हमें उससे लेन देन नहीं है, क्योंकि बुक कीपिंग में खाली बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो हमारा बिजनेस है राम एंड कंपनी, तो हम इसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, वही हम पढ़ते हैं बुक कीपिंग में। तो सपोज एक एग्जाम्पल समझिए, मिस्टर राम एक ट्रिप पे गए, ट्रिप पे उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर किए, तो वो सारी चीज़ें हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। मिस्टर राम ने ज्वेलरी परचेस किया तो क्या ये चीज़ उसके बिजनेस से लेन देन है? तो ये चीज़ हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो मिस्टर राम के पर्सनल लाइफ में जो भी इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। रादर देन उसके बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारी चीज़ें हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला तो फंडामेंटल ये है कि आपको सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, रादर देन कि जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है उसे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। आपको सिर्फ बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे हैं वो सभी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे एक एग्जाम्पल में जो राम एंड कंपनी है इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी सेल्स परचेस जो भी हो रहे हैं, तो हम सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। सपोज़ कीजिए मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और सपोज उन्होंने 50,000 रुपीज़ इनिशियल में इन्वेस्टमेंट किया, तो क्या हम इसे रिकॉर्ड करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है या जो भी पैसा जा रहा है उस सभी चीज़ों का हमको हिसाब किताब रखना है। तो वही हम चीज़ें पढ़ते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। तो आपने एक चीज़ सीख लिया कि आपको बिजनेस को अलग ट्रीट करना है और जो बिजनेस ओनर है उसको अलग ट्रीट करना है। बिजनेस एक अलग ही एंटिटी है, उसे मिक्स नहीं करना है। हमें एक सिर्फ बिजनेस रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, हमें उसे ही सिर्फ रिकॉर्ड करना है अकाउंट्स में। तो चलिए हम देखते हैं कुछ अकाउंट्स में जो बेसिक टर्म्स है जो अकाउंट्स में यूज़ होता है। तो चलिए हम देखते हैं कौन से टर्म्स यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि तो असेट का मतलब क्या होता है। असेट मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं असेट। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई बिल्डिंग हो गया, कोई प्रॉपर्टी हो गई, फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, मशीनरी हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी है जो बिजनेस की। तो असेट मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में आपको बताओ, तो असेट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड दैट इज ओन्ड बाय बिजनेस। तो सिंपल भाषा में असेट मतलब वो होता है कोई भी प्रॉपर्टी हो गई जिसकी एक वैल्यू है तो उसे हम कहते हैं असेट। दूसरा कॉन्सेप्ट एक नॉर्मली यूज होता है वो है लाइबिलिटी। तो चलिए देखते हैं लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो भी आपको पैसे देने हैं बिजनेस में से, जो भी सपोज आपके जो
जिसे आपने माल परचेस किया उसे आपको पैसे देने हैं, जिससे आपने उधार पे लिए, ये सारे सारी चीज़ें को हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में आपको बता दूँ तो लाइबिलिटीज़ मतलब आपको जिसे पैसे देना है, जिसे हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में कर्ज बोलते हैं। तो लाइबिलिटी मतलब कि जिसे आपको पेमेंट करना है, जिसे आपको पैसे देना है। तो चलिए हम देखते हैं लाइबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, जिसे आपने माल परचेस किए, जैसे आपने बैंक से कोई लोन लिया तो उसे आपको पेमेंट करना है। फिर सपोज आपने किसी रिलेटिव से लोन लिया, तो ये सारी चीज़ें लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी मतलब आपको जिसको पेमेंट करना है, आपने कुछ लोन लिया, आपने किसी से माल उधार में परचेस किया, तो ये सारी चीज़ें इसे हम कहते हैं लाइबिलिटी, जिसे आपको रिपे करना है। तो ये हो गया लाइबिलिटी का मतलब। फिर हम देखते हैं नॉर्मली असेट, असेट जो है अपना, तो जैसे कि हमने आप देखा कि असेट मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। तो नॉर्मली असेट दो कैटेगरी की होती है। नॉर्मली असेट जो है हमारी जो असेट है नॉर्मली दो कैटेगरी की होती है। असेट मतलब हम साइड में लिख देते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड owned by business, तो चलिए हम देखते हैं असेट, असेट में कैटेगरीज कौन सी है। तो नॉर्मली असेट दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है एक फिक्स असेट, दूसरा होता है करंट असेट। तो आप बोलोगे सर कि फिक्स असेट और करंट असेट क्या होता है। तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो फिक्स असेट मतलब वो असेट होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल मशीनरी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती है। तो फिक्स असेट मतलब वो असेट होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। या तो मैं बोलूँ फिक्स असेट वो असेट होती है जिसकी यूजफुल लाइफ नॉर्मली एक साल से ज़्यादा होती है। नॉर्मली वो असेट होती है जो एक साल से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, तो विच आर यूज्ड मोर देन वन ईयर। तो करंट असेट मतलब क्या होता है, करंट असेट वो होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है। जैसा कि आप बोल सकते हैं करंट असेट मतलब वो असेट होती है जो आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जो रिसीवेबल्स हो गए, आपके जो डेटर्स हो गए, आपका स्टॉक हो गया, ये सारी चीज़ें करंट असेट होती है। करंट असेट मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि वो असेट जिसकी यूजफुल लाइफ लेस देन 12 मंथ्स है। 12 मंथ्स बोलो या 1 ईयर बोल सकते हैं आप। तो आपने देखा कि असेट के जो दो टाइप होते, असेट की जो कैटेगरी है जो है फिक्स असेट और एक करंट असेट होता है। तो इन सिंपल भाषा में बोलूँ तो फिक्स असेट मतलब वो असेट हो गए जिसकी यूजफुल लाइफ एक साल से ज़्यादा है, और करंट असेट मतलब वो असेट जिसकी यूजफुल लाइफ एक साल से कम है, जो कि शॉर्ट टर्म असेट बोलते हैं हम। तो ये हो गया, हमने देखा कि असेट, असेट के जो टाइप होते हैं, दो टाइप के असेट्स कौन से होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। फिर जैसा कि हमने देखा लायबिलिटीज का जो हमने मतलब समझा, तो लायबिलिटीज के भी दो टाइप होते हैं। जो हमारी लायबिलिटीज है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होता है फिक्स लायबिलिटी, दूसरी होती है करंट लायबिलिटी। ये भी सेम असेट्स की तरह ही है। तो फिक्स लायबिलिटी मतलब क्या होता है, फिक्स लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटीज होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। या तो आप बोल सकते हो जो जिसकी ड्यू एक साल से ज्यादा है, मोर देन 1 ईयर। तो करंट लायबिलिटीज क्या हो गए, करंट लायबिलिटीज आप बोल सकते हो कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो गए, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। या तो आप बोल सकते हो जो एक साल से लेस देन के पीरियड में होते हैं उसे हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो आपको एग्जांपल के तो समझाओ तो फिक्स लायबिलिटी का एग्जांपल हो गया, जैसे आपने कोई अपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले लिया बैंक से,
सपोज आपने 10 साल के लिए बैंक से लोन ले लिया, तो ये जो लोन है ये होगा आपका फिक्स लाइबिलिटी। सपोज आपने एक शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से लोन लिया, या तो आपने शॉर्ट टर्म पे किसी से उधार लिया, सपोज आपने 2 या 3 महीने के लिए किसी से क्रेडिट पे पैसे लिए, तो ये हो गया आपका करंट लाइबिलिटी जो जो लेस देन 1 ईयर में होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हम वही एग्जाम्पल लेंगे, राम वाला। एक तरफ है राम, दूसरी तरफ है उसका बिजनेस जो कि राम एंड कंपनी। तो मिस्टर राम ने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया, राम एंड कंपनी, तो जब जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इन्होंने 50,000 रुपीज़ से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हम इसे क्या बोलेंगे, जो जिस जो जो अमाउंट उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करते समय अपने बिजनेस में लगाया था पैसा, जो 50,000 उन्होंने बिजनेस में लगाया, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो जो अमाउंट उन्होंने इनिशियल स्टेज पे लगाया था हम उसे कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल मतलब वो चीज़ें हो गई जो आपने बिजनेस में लगाया पैसे, जो भी आपने बिजनेस के स्टार्ट में या तो हो सकता है उसके बाद में जो भी आपने बिजनेस में पैसे लगाए उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो इन सिंपल वर्ड्स में बोलो तो कैपिटल मतलब एनी अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, आइदर इन द इनिशियल स्टेज और ऑन द लेटर स्टेज। तो ये हो गया कैपिटल। तो सपोज मिस्टर राम ने 50,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मिस्टर राम अपना बिजनेस कर रहे, सपोज मिस्टर राम को कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस से सपोज 5,000 रुपीज उन्होंने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। तो सपोज मिस्टर राम को एक एमरजेंसी हो गई, उन्होंने 5,000 रुपीज़ अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो इसका मतलब होता है ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग मतलब वो होता है कि आप कोई भी पैसा जो आप अपने बिजनेस से निकालते हो या तो कोई भी अमाउंट आप अपने बिजनेस से विड्रॉ करते हो तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो ये दो चीज़ हमने सीख लिया, कैपिटल का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग्स क्या होती है। तो चलिए हम और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, हम सेम एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टर राम अपना बिजनेस कर रहे हैं, राम एंड कंपनी जिसका बिजनेस का नाम है। तो जाहिर सी बात है कि मिस्टर राम जब अपना बिजनेस करेंगे तो उन्होंने काफ़ी लोगों को अपने माल बेचे होंगे, काफ़ी जगह से माल उन्होंने खरीदा होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि डेटर्स क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं डेटर का मतलब क्या होता है, उसी उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे। मिस्टर राम जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, राम एंड कंपनी, ये उनकी कंपनी है, मिस्टर राम जो अपना बिजनेस चला, राम एंड कंपनी। तो मिस्टर राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फिर वो अपने बिजनेस में डेली बेसिस पे जो अपना प्रोडक्ट्स बेचते थे, जो भी अपना माल बेचते थे, सपोज उन्होंने जो कस्टमर्स लोग को माल बेचा, हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस में सिर्फ कैश में आप माल बेचो, आपको क्रेडिट में भी माल बेचना पड़ता है, क्योंकि आप ये जाहिर सी बात है बिजनेस से बिजनेस में उधार भी देना पड़ता है, कुछ कस्टमर्स को उधार भी देना पड़ता है। तो सपोज मिस्टर मिस्टर राम ने सपोज उन्होंने मिस्टर ए को 10,000 का माल बेचा, मिस्टर बी को 15,000 का माल बेचा, मिस्टर सी को सपोज 8,000 का माल बेचा। तो सपोज कंसीडर कीजिए मिस्टर राम ने इन 3 कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचा, और सपोज मिस्टर राम को उन्होंने प्रोडक्ट बेचा कैश पे, लेकिन मिस्टर बी और सी को उन्होंने माल बेचा क्रेडिट पे, उधार पे। चलिए देखते हैं कि डेटर और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है। तो जाहिर सी बात है आप जैसे कि हम अब एग्जाम्पल में देख रहे हैं, मिस्टर राम ने 3 कस्टमर्स को माल बेचा, तो मिस्टर राम ने 3 कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेचा, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर ए को उन्होंने जो 10,000 का प्रोडक्ट बेचा वो कैश में बेचा, मिस्टर बी और सी को जो 15 और 8,000 का प्रोडक्ट बेचा वो क्रेडिट में बेचा। तो जाहिर सी बात है कि मिस्टर राम को इन 2 कस्टमर से पैसा लेना है। तो डेटर्स मतलब क्या होता है, डेटर्स मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ कि डेटर्स मतलब जिन वो पर्सन जिनसे आपको पैसे लेना है। तो हमारे एक एग्जाम्पल में मिस्टर राम को मिस्टर बी और मिस्टर सी से 15 और 8,000 रुपये लेने हैं, तो मिस्टर राम अपने बुक्स में मिस्टर बी और मिस्टर सी को एज अ डेटर ट्रीट करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम डेटर्स। डेटर्स मतलब सिंपल भाषा में आप समझिए कि कोई भी पर्सन जिससे हमें पैसे लेने हैं,
तो डेटर मतलब ये हो गया कि जिनसे आपको पैसे लेने हैं। फिर चलिए देखते हैं कि क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है। तो सपोज मिस्टर राम राम जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो इन्होंने कुछ प्रोडक्ट मार्केट से परचेस किया। तो सपोज इन्होंने मिस्टर श्याम से प्रोडक्ट परचेस किया 25,000 का, लेकिन इन्होंने जो प्रोडक्ट परचेस किया ये क्रेडिट में परचेस किया, मतलब इन्होंने उधार में परचेस किया। तो सिंपल भाषा में क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है कि जिसे आपको पैसे देना है। तो क्रेडिटर्स मतलब सिंपल भाषा में आपको बोलूँ तो क्रेडिटर्स मतलब जिसे आपको पे करना है। तो क्रेडिटर्स मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर्स मतलब एनी पर्सन जिसे आपको पेमेंट करना है। तो हमारे एग्जांपल में मिस्टर राम ने जो 25,000 का प्रोडक्ट इनसे क्रेडिट पे परचेस किया, तो ये इनको पेमेंट करना है जो कि अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो क्रेडिटर्स मतलब ये अपने बुक्स में मिस्टर श्याम को क्रेडिटर्स एज अ क्रेडिटर्स ट्रीट करेंगे, अंडर हेड क्रेडिटर्स ट्रीट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्रेडिटर्स मतलब कोई भी पर्सन जिसे आपको पैसे देना है, या तो जिसे आपने उधार लिए। तो चलिए हम देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, बैड डेब्ट्स, जिसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है, सपोज आपने किसी कस्टमर को माल बेचा। सपोज बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है, सपोज आपने किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा लेकिन उधार पे बेचा, अपने क्रेडिट पे बेचा। और सपोज आपने मिस्टर मिस्टर सी को 25,000 का प्रोडक्ट बेचा लेकिन आपने इसको क्रेडिट पे बेचा। आपने इन्हें बोला कि मैं मिस्टर सी को बोला कि मैं आपको 25,000 का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ लेकिन आप मुझे 2 महीने बाद पैसा दे देना। तो सपोज आपने मिस्टर सी को 25,000 का प्रोडक्ट बेचा और आपने उन्हें क्रेडिट पे बेचा, आपने बोला कि 2 महीने बाद मुझे पेमेंट कर देना। लेकिन सपोज मिस्टर सी ने 2 महीने बाद ये पेमेंट नहीं किया, या तो मिस्टर सी भाग गया अपना, या तो मिस्टर सी चल बसे, तो हमारा जो ये 25,000 है ये पैसा हमारा डूब गया। तो सिंपल भाषा में आपको बोलूँ तो बैड डेट्स मतलब जो भी पैसा आपको मिलने वाला था वो अभी आपको नहीं मिलने वाला है, तो उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। या तो जो आपका नुकसान हो चुका, या तो आपने किसी कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचा उधार पे बेचा और वो पैसा अभी आपको नहीं मिलने वाला है, तो उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। जो पैसा आपका डूब चुका है उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। तो चलिए हम देखते हैं कि एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो बिजनेस है, बिजनेस में जो एक्सपेंडिचर बोलते हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है। एक्सपेंडिचर मतलब सिंपल भाषा में एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो बिजनेस में जनरली दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस किया, आपने कोई मशीनरी परचेस किया, आपने कोई फर्नीचर पे एक्सपेंडिचर इनकर किया, तो ये सारी चीज़ें जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो जो भी एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होती है उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म मतलब आप बोल सकते हैं कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म मतलब आप बोल सकते हैं कि मोर देन 1 ईयर। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रिपेयर्स करवा दिए, छोटे मोटे रिपेयर्स करवा दिए, या आपने कोई अपने अपने सपोज आपने रिपेयर्स करवाया, आपने अपने अपने स्टाफ को सैलरी दिया, या फलाना फलाना बहुत सारे एक्सपेंसेस। तो ये सारी जो एक्सपेंसेस है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमने देखा कि एक्सपेंडिचर बिजनेस में दो टाइप के होती है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस में डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, डिस्काउंट मतलब सिंपल भाषा में आपको बोलूँ तो डिस्काउंट मतलब कंसेशन। तो जनरली बिजनेस में दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो चलिए हम समझते हैं दोनों का मतलब क्या होता है।
तो जैसे कि आपको पता है डिस्काउंट मतलब क्या होता है, कि आपने किसी को कंसेशन दे दिया, कंसेशन। तो चलिए देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि सपोज आपने किसी कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, सपोज आपने किसी कस्टमर को 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेचा, ठीक है। तो लेकिन अभी कस्टमर ने सपोज आपसे जो प्रोडक्ट परचेस किया, सपोज उसने 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है सपोज उसने बल्क में परचेस किया, सपोज उसने 100 क्वांटिटी में परचेस किया, तो जनरली क्या होगा, उसका 1 लाख रुपीज़ का बिलिंग होगा। जनरली क्या होगा, उसको आपको 1 लाख रुपीज़ देंगे, लेकिन सपोज कस्टमर ने जो इतना बल्क क्वांटिटी में परचेस किया, तो जाहिर सी बात है कस्टमर डिस्काउंट तो मांगेगा ही। तो आप क्या करते हो, क्योंकि कस्टमर ने इतना हैवी हैवी परचेस किया, या तो कस्टमर ने बल्क परचेस किया, तो आप क्या करते हो, आप एक कस्टमर को सपोज आपने 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेस। तो सिंपल भाषा में आपको बोलूँ तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेस। तो ट्रेड डिस्काउंट, तो सिंपल सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कोई भी डिस्काउंट, जब आप माल परचेस करते हो तभी आपको डिस्काउंट दिया जाता है, जो आपके एमआरपी पे जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है, वो उसे कहते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। सपोज आपने किसी कस्टमर को माल प्रोडक्ट बेचा, सपोज आपने किसी कस्टमर को 50,000 का प्रोडक्ट बेचा, लेकिन आपने उसे प्रोडक्ट बेचा वो क्रेडिट पे बेचा, सपोज 3 मंथ्स क्रेडिट पे आपने उसे, सपोज कीजिए मिस्टर मिस्टर ए को आपने 50,000 का प्रोडक्ट बेचा, लेकिन 3 मंथ्स क्रेडिट पीरियड पे दिया। तो सपोज 2 महीने बाद मिस्टर ए आपके पास आता है कि सर मेरे पास अभी पेमेंट कैश पड़ा है, आप मेरे से पेमेंट ले लीजिए। तो बोलोगे भाई भाई साहब लाओ पेमेंट दे दो आप मुझे, तो मिस्टर आप क्या बोलोगे, चलिए पेमेंट आ रहा है ले लेते हैं हम, तो आप क्या करोगे 50,000 उसे ले लोगे। लेकिन मिस्टर मिस्टर ए क्या बोलेगा, सर जी मैं आपको पेमेंट 3 महीने बाद देने वाला था, लेकिन अभी मैं आपको पेमेंट 2 महीने में ही दे रहा हूँ, मतलब आपको पेमेंट तो जल्दी मिल रहा है, तो इसके बदले मुझे कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। तो सपोज करते हैं हम उसे 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देते हैं फॉर अर्ली पेमेंट, तो वो नेट 48,000 पे करेगा। तो ये जो हो गया, जो 2,000 का हमने उसको डिस्काउंट दिया फॉर अर्ली पेमेंट ऑफ आवर कंसिडरेशन, तो उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट मतलब कोई भी डिस्काउंट एट गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब आप सपोज किसी कस्टमर ने आपको जल्दी पैसे दे दिए, या तो कस्टमर से आपको जल्दी पैसे मंगवाने, तो वो टाइम पे जो भी आप डिस्काउंट देते हो उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। फिर अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो सॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि जब भी पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसके लायबिलिटी से ज़्यादा होती है, तो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट पोजीशन, या तो उसे हम कहते हैं द पर्सन इज इन सॉल्वेंट पोजीशन। तो चलिए हम इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक पर्सन है जिसकी टोटल असेट है, जिसकी टोटल संपत्ति है सपोज 5 लाख, और वही उसकी जो लायबिलिटीज है, जो उसके कर्ज है, जो उसके ऑब्लिगेशंस है, सपोज कीजिए 3 लाख उसके ऑब्लिगेशंस है, जो उसकी लायबिलिटी है जो उसे पे करना है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो नेट है, जो 5 माइनस 3 जो 2 लाख होता है, वो उसका नेटवर्थ होता है, जिसे हम नेटवर्थ बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपकी असेट की वैल्यू, जैसे हम देख सकते हैं इस केस में जो पर्सन की असेट की वैल्यू जो 5 लाख है, जो कि उसकी लायबिलिटी से ज़्यादा है, तो वो केस में क्या होता है कि वो केस में हम पर्सन को सॉल्वेंट सॉल्वेंट कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सॉल्वेंट मतलब एनी पोजिशन वेयर असेट्स इज मोर देन लाइबिलिटी। तो जहाँ पे पर्सन के असेट, जो कि उसकी प्रॉपर्टी उसके लाइबिलिटी से ज़्यादा है, तो वो पोजीशन में हम कहते हैं कि वो पर्सन सॉल्वेंट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है इनसॉल्वेंट, जो कि इसका उल्टा है। इनसॉल्वेंट में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, जहाँ पे लाइबिलिटीज असेट से ज़्यादा होती है, जो उनकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू उनके ऑब्लिगेशन से कम होती है। सपोज अज्यूम कीजिए इनकी लाइबिलिटीज, इस एग्जाम्पल में उनकी लाइबिलिटी सपोज है 10 लाख,
लेकिन वहां पे उसके असेट्स सपोज कीजिए 8 लैक्स है, तो वो पर्सन अभी भी 2 लैक्स लॉस में चल रहा है, मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अभी भी खराब चल रही है। तो ये केस में हम पर्सन को कहते हैं इनसॉल्वेंट, वेरस सॉल्वेंट तभी कहते हैं जब असेट की वैल्यू लाइबिलिटी से ज़्यादा होती है, और इनसॉल्वेंट तब होता है जब लाइबिलिटीज असेट से ज़्यादा होती है। तो ये था कॉन्सेप्ट सॉल्वेंट वर्सेस इनसॉल्वेंट का। तो चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। जनरली कॉन्सेप्ट जो हमारी अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग पूरे साल भर की होती है। जैसे कि आपका कोई भी पीरियड है, आप कोई भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन सालों साल तक नहीं रिकॉर्ड कर सकते, आपको एक फिक्स पीरियड रखना पड़ेगा जहाँ पे आप बिजनेस के रिकॉर्ड्स को पूरा एनालाइज करेंगे एक बुक्स। जैसा नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बिजनेस में हम नॉर्मली अपने इंडियन कल्चर में दिवाली में अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, नए बुक्स बनाते हैं, नए रजिस्टर्स बनाते हैं, तो वैसे ही अकाउंट्स में एक टर्म टेन्योर होता है जहाँ पे हम अकाउंट्स को एक ड्यूरेशन में पूरा कंसिडर करते हैं। नॉर्मली हम अकाउंट्स को एक ड्यूरेशन में पूरा कंसोलिडेट करके उसके फाइनेंशियल पोजीशंस देखते हैं। तो उसी तरह अकाउंट्स में जो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा, उसे कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? बेसिकली इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जहाँ पे हम पूरे बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, पूरे साल भर के बिजनेस के रिकॉर्ड्स को, उसी को हम पूरे साल भर को कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। जनरली आप फाइनेंशियली देखोगे तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और ये एंड होता है 31 मार्च को। जी हाँ, नॉर्मली आप अगर आप फाइनेंस के लैंग्वेज में देखोगे तो फाइनेंस में जो आपका कैलेंडर वाइज जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है वैसा नहीं होता है। जो फाइनेंस की जो फाइनेंस फाइनेंस फील्ड में नॉर्मली जो कैलेंडर मेंटेन होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो सारे रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं वो इस टेन्योर में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको हम बुक्स को क्लोज करते हैं। तो ये था हमारा अकाउंटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गुडविल का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ बिजनेस हो गया। कर रही कोई एक बिजनेस सालों साल से बिजनेस कर रही है तो उसकी एक अलग मार्केट में रेपुटेशन होगी। जैसे आप लोग कंसिडर कर लो रिलायंस, टाटा, ये सारे एक ब्रांड है, इनकी अलग मार्केट में एक वैल्यू है, अलग मार्केट में एक रेपुटेशन है। तो उन गुडविल मतलब क्या होता है कि कंपनी की रेपुटेशन, आप कह सकते हैं कि रेपुटेशन, गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा कि गुडविल मतलब क्या होता है, रेपुटेशन। तो जो कंपनी की गुडविल अच्छी होती है वो प्रॉफिट भी अच्छा कमाती है, वो उनके रिटर्न ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से गुडविल मतलब हम सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि गुडविल इज नथिंग बट अ रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इस गुडविल को हम और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में हमारे, तो आप ज़रूर बने रहिए हमारे आने वाले टॉपिक्स में। इस टॉपिक को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, तो चलिए हम देखते हैं कि जो हम अकाउंट्स पढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो हम एक जरा शॉर्ट में देखते हैं जो हम अकाउंट्स पढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है हमें। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है, तो सिंपल मैं स्टार्ट बोलूँ तो अकाउंट्स के बेनिफिट्स, सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपके पास सभी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सभी सेल्स, परचेज और बाकी सारी डिटेल्स के आपके पास रिकॉर्ड होगी। सपोज आपने किसी कस्टमर को माल प्रोडक्ट बेचा और कस्टमर सपोज आपने किसी कस्टमर को 10,000 का माल बेचा और कस्टमर बोलता है कि नहीं आपने मुझे 8,000 का ही माल बेचा, तो उस केस में अगर आपके पास प्रॉपरली रिकॉर्ड होगा तो आप वहाँ पे प्रूव कर सकते हो कि आपके आपने उस कस्टमर को कितने का प्रोडक्ट बेचा। तो सबसे पहला बेनिफिट अकाउंटिंग की होती है कि आपके पास हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके पास हर एक चीज़ की एविडेंस होगी। जैसे कोई कस्टमर से आप जो भी डीलिंग करते हो तो हर एक चीज़ का आपके पास रिकॉर्ड्स, बिल्स, परचेज, सबके सारे बिल्स मेंटेन होंगे। तो वो केस में आपके पास प्रॉपरली हर एक चीज़ के एविडेंस होंगे, उस चीज़ में आपके पास हर एक चीज़ का एविडेंस होगा कि आपने कितने का ट्रांजेक्शन्स किए हैं सामने वाले पार्टी के साथ। तो दूसरा है कि एविडेंस होगा। तीसरा चीज़ ये है कि आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पूरे साल भर में बिजनेस किया तो आपको ईयर एंड में पता चलेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये कैसे पता चलेगा? जब आपने पूरे साल भर पूरे प्रॉपरली अकाउंटिंग किया है, प्रॉपरली सब चीज़ का रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है, तभी आपको ईयर एंड में पता चलेगा कि आपके बिजनेस में फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम
पॉइंट है जो कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट्स हुए हैं या लॉस हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है। फिर अकाउंटिंग में हमें ये भी पता चलता है कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या है, हमें टैक्स लाइबिलिटी भी पता चल जाती है। जैसे आपने पूरे साल में सपोज आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट पे आपको गवर्नमेंट को कुछ सर्टन परसेंटेज टैक्स भी पे करना होता है। अगर आपको सपोज लॉस हुआ है लेकिन आपने बुक्स में प्रॉफिट दिखा दिया है, तो हो सकता है आपको गलत तो हो सकता है आपको टैक्स पे करना पड़े, जो कि एक्चुअली गलत है। या तो सपोज आपने आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ साल में, लेकिन आपने बुक्स में कुछ गलत एंट्री की वजह से सपोज आपका 1000 प्रॉफिट दिख रहा है, तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट को गलत टैक्स पे करना पड़े। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो प्रॉपरली आप गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करोगे। और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं अकाउंटिंग के। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर एक कॉन्सेप्ट है बुककीपिंग वर्सेस अकाउंट्स। तो नॉर्मली एक डाउट आता है बच्चे लोगों को कि सर बुककीपिंग और अकाउंट्स अलग अलग है क्या, अकाउंटिंग बुककीपिंग और अकाउंटिंग अलग अलग है क्या। तो मैं आपको बता दूं, बुककीपिंग एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, वेरस अकाउंटिंग ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अकाउंट्स एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो बुककीपिंग में क्या होता है, नॉर्मली हम खाली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, हम बुककीपिंग में खाली रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन रादर देन। वेरस अकाउंटिंग में हम सभी चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे बुककीपिंग भी आ गया इसमें आपका एनालिसिस भी आ गया, इसमें आपका क्लासिफिकेशन भी आ गया और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको अगर मैं आपको समराइज करूँ तो बुककीपिंग में क्या होता है, खाली आप रिकॉर्ड्स करते हो बिजनेस ट्रांजेक्शंस, वेरस अकाउंट्स में आप सभी चीज़ें कंसीडर कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि बुककीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग में आपका बुककीपिंग आता है, एनालिसिस आता है, क्लासिफिकेशन आ गया, समराइजिंग हो गया, ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें आ गया। तो मैं आपको बोल दूँ तो अकाउंटिंग इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, वेरस बुककीपिंग इज अ जस्ट अ सिंपल नैरो कॉन्सेप्ट। फिर हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, तो जनरली क्या होता है, जो आप अकाउंटिंग करते हो उसके कुछ मेथड्स होते हैं। तो जैसा कि आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे वो ऐसे ही नहीं आप रिकॉर्ड कर दोगे, उसके लिए प्रॉपरली मेथड दिया गया है, उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो। तो नॉर्मली अकाउंट्स में 3 मेथड होते हैं। पहला होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस जिसे हम मर्कंटाइल बेसिस भी बोलते हैं, तीसरा एक कॉन्सेप्ट है जो कि रेयरली फॉलो होता है मिक्स कॉन्सेप्ट, या तो हम हाइब्रिड भी बोलते हैं इसे। तो कैश मेथड में क्या होता है कि जो आप कैश मेथड में क्या होता है, जो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो वो कैश बेसिस पे करते हो। सपोज आपको कुछ अमाउंट रिसीव हुआ कैश में, तो तभी आप रिकॉर्ड करोगे। सपोज आपने किसी को कुछ पेमेंट किया बिजनेस में, तो तभी आप रिकॉर्ड करोगे। तो कैश मेथड में क्या होता है, प्योर कैश कॉन्सेप्ट आप यूज़ करते हो। अगर आपको पैसा आया तभी आप रिकॉर्ड करते हो, अगर आपका पैसा गया तो आप रिकॉर्ड करते हो। तो ये कैश कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है अक्रूअल। अक्रूअल में क्या होता है कि आप कैश कॉन्सेप्ट भी यूज़ करते हो और उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है अक्रूअल। अक्रूअल में क्या होता है, आप कैश बेसिस पे नहीं रिकॉर्ड करते हो। जैसे आपने किसी को माल बेचा, भले आपने क्रेडिट पे बेचा, फिर भी आपका वो एक ट्रांजेक्शन हो चुका फिर भी वो आपका एक ट्रांजेक्शन हो गया है। तो अक्रूअल में क्या होता है, अगर आपका ड्यू, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन या इवेंट आपके बिजनेस में होता है तो आप तभी उसका रिकॉर्ड कर सकते हो, रादर देन कि उसका पेमेंट आए या आप किसी को पेमेंट करो तभी आप रिकॉर्ड करोगे। तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब भी आप किसी को ड्यू करो या तो आपने कोई अमाउंट अक्रू किया तब आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो अगर आपने कोई इवेंट, जैसे आपने सेल्स किया क्रेडिट में, यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आपका एक ट्रांजेक्शन हो चुका, या तो आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया क्रेडिट पे, यहाँ पे भी आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ लेकिन फिर भी आप इसे रिकॉर्ड करोगे। तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट, जनरली यही कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा फॉलो होती है, अक्रूअल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम जैसे ही आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, रैदर आपको पेमेंट आए या ना आए, लेकिन आप इसे रिकॉर्ड कर देते हो अपने बुक्स में। तीसरा कॉन्सेप्ट है ये मिक्स कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली फॉलो नहीं होता है, ये एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मेथड्स है, तो ये जनरली ये इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होता है, तो ये हमारे कुछ काम का नहीं है कॉन्सेप्ट।
तो अगर मैं आपको समराइज करा दूं तो हमने आज आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा, तो हमने सीखा कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, हमने सीखा असेट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है, डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, बैड डेट्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्रॉइंग क्या होता है, ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट जो अकाउंट्स में यूज होते हैं, जो सारे जो टर्मिनोलॉजीज है, जो अकाउंट्स के बेसिक्स है, वो हमने इस लेक्चर में देखा। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन सेशन, जिसमें हमने अकाउंट्स के काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखे। तो आज का ये सेशन में हमने पूरा अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन देख लिया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो अकाउंट्स का मेन जो जो रूल है, डेबिट क्रेडिट और जो गोल्डन एंट्रीज है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। और होप सो आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जो अभी तक जिन्होंने अपना अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है या तो आने वाले समय में स्टार्ट करने वाले हैं।